हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज हम आए हैं आम्रपाली ड्रीम वैली में और आज हम रिव्यू करेंगे 1530 स्क्वायर फीट फ्लैट का। तो मेरा नाम है दिनेश और आप हैं चैनल वीज़ा फॉर एक्सप्लोर पे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे कीचड़ इतना ज़्यादा हो रहा है कि भैया दूसरे रास्ते से लेके जा रहे हैं, वहाँ से तो पॉसिबल नहीं होगा जाना। तो देख सकते हैं आप कीचड़, ये भी हम, ये भी कार पार्किंग है यहाँ पे कुछ। तो यहाँ से हम जा रहे हैं अंदर। बहुत ही फिर से हम इस फिर से कार पार्किंग में आ चुके हैं पिछली बार की तरह। डिटेल वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। ये कौन सा ग्राउंड फ्लोर होगा? फर्स्ट फ्लोर है। इससे फ्लैट कौन सा होगा? वो रहा ये 60 है। ये कच्चा पक्का दिख रहा है अभी तो। होगा ना तो फिर अभी ये बालकनी आएगी, ये डाइनिंग एरिया होगा क्योंकि ये किचन होगी, ये किचन होगी शायद, किचन के साथ ये बालकनी। फिर ये होगा कॉमन कॉमन बाथरूम है ना, एक बेडरूम ही हो जाएगा फिर। फर्स्ट बेडरूम, फिर ये अलमारी, फिर ये सेकंड बेडरूम, ये अलमीरा, साथ में ये एक और वॉशरूम। ये तीसरा वॉश, तीसरा बेडरूम।
1401। F11 शायद वो F12 है, ये है सामने F8। देख सकते हैं अपनी कंस्ट्रक्शन अपडेट फ्लैटों की। चले भैया चल, धन्यवाद बहुत बहुत। तो अब हम फ्लैट में से नीचे आ चुके हैं, यहाँ पे देख सकते हैं अभी चौखट पड़ी हुई है लकड़ी की, तो वुडन वर्क आप देख सकते हैं, ये सारी चौखट पड़ी है यहाँ पे, और ये भी आप देख सकते हैं लकड़ी के बोर्ड पड़े हैं यहाँ पे, दरवाजे हैं सारे। और हम दरवाज़ों की कंपनी की बात करें, कौन सी कंपनी है ये, आप देख सकते हैं कंपनी है गुर्जन ISO 901, आगे सही मार्क है। तो ये गुर्जन की है, बोर्ड पड़े हैं यहाँ पे, मुझे पता नहीं गुर्जन कैसी कंपनी है। तो ये देख सकते हैं चौखट, दरवाजों की चौखट। अब दूर दूर तक देख सकते हैं, दूर 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 तक यहाँ पे लकड़ी का सामान यहाँ पे दिखेगा। आप देख सकते हैं सीवर के ढक्कन पड़े हैं यहाँ पर, ये है पार्किंग का रास्ता देख सकते हैं आप। यहाँ से मेरे ख्याल से यहाँ से कार आएंगी, और यहाँ से घूमते हुए नीचे ऐसे करते हुए यहाँ से नीचे घूमते हुए नीचे चली जाएंगी कार। टावर ये है F3 टावर सामने, ये क्या काम चल रहा है नीचे। यहाँ पे फ्लैट हमको एक सैंपल फ्लैट की चाबी मिली है, यहाँ पे 1530 स्क्वायर फीट का फ्लैट है। तो ये अंदर एंट्री हमने करी, तो अंदर घुसते ही सबसे पहले यहाँ पे स्विच बोर्ड दे रखा है, इसके अंदर 7-8 स्विच दे रखे हैं। यहाँ पे दे रखा है IC बोर्ड, और ये सामने बड़ा सा डोर दे रखा है। यहाँ से देखते हैं तो ये शायद किचन देख लेते हैं, किचन दे रखी है साथ में, किचन में सेमी मॉड्यूलर किचन दे रखी है। और अगर सिंक की बात करें तो सिंक का साइज भी एक नॉर्मल साइज है, ठीक है, मगर किचन थोड़ी छोटी लग रही है फ्लैट के हिसाब से, किचन थोड़ी सी छोटी है साइज के।
डोर्स देख लेते हैं खोल के कैसा लगता है। तो ये कुछ डोर्स रखे हैं, ये ड्रॉर दे रखे हैं, ड्रॉर के अंदर जाली दे रखी है एक, और अगर किचन के इन दरवाजों की कैबिनेट्स की बात करें तो सॉफ्ट क्लोजर नहीं है, साथ में ये दरवाजा दे रखा है एक। तो यहाँ से हम अंदर आए थे, ये यहाँ से थोड़ा सा अंदर चलते हैं तो यहाँ पे आ जाता है सबसे पहला बेडरूम। बेडरूम की बात करें तो बेडरूम के अंदर एंटर करते ही यहाँ पे स्विच दे रखे हैं, और ये अलमीरा की स्पेस दे रखी है यहाँ पे। और यहाँ पे बात करें वॉशरूम की टाइल्स देख लेते हैं यहाँ पे, अगर आप देख पाए यहाँ पे तो ये जो टाइल है 1.25x1 की टाइल है, और ये बाथरूम की छत जो है ये टाइल्स की क्वालिटी की बात करें तो सो क्वालिटी है, बहुत अच्छी नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ कि अब टाइल्स को चेंज करानी पड़ेंगी एक बार। तो यहाँ पे डोर दे रखी है, बालकनी है, यहाँ से बालकनी का एरिया की बात करें, इस बालकनी का एरिया तो बहुत कम है, छोटा है। तो बालकनी में एक यहाँ पे स्विच बोर्ड दे रखा है, ये बालकनी, साथ में वॉशरूम की वॉश बेसिन भी चेंज कराना पड़ेगा, बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं है। सेकंड बेडरूम देख सकते हैं, अंदर से कुछ दे रखे हैं, और यहाँ पे अलमीरा की स्पेस दे रखी है। यहाँ पे जो है पाइप जो है विजिबल हैं, अभी तक तो विजिबल हैं, दिख रहे हैं यहाँ पे पाइप्स। यहाँ पे ग्रीन मैटिंग कर रखी है, अगर यहाँ से देखें बाहर का व्यू तो कुछ ऐसा व्यू दिख रहा है बाहर का। रेलिंग की बात करें, यहाँ रेलिंग दे रखी है, अगर यहाँ पाइप जो है विजिबल है तो इसको तो कुछ ना कुछ या पैनलिंग करके या कुछ करके इसको, अगर इन्होंने बंद नहीं किया तो इसको हाइड करना पड़ेगा पैनलिंग के थ्रू। यहाँ पे भी अलमीरा की स्पेस दे रखी है। बेडरूम यहाँ का जो वॉशरूम है यहाँ इसका देखते हैं, वॉशरूम का डोर थोड़ा छोटा लगा मुझे, मगर वॉशरूम ठीक है, थोड़ा बड़ा साइज का दिख रहा है यहाँ पे वॉशरूम। वॉशरूम की यहाँ पे भी ये अलमीरा दे रखी है साथ में, और ये यहाँ से पाइप्स आ रहे हैं नीचे। यहाँ से आगे चलते हैं अपने थर्ड बेडरूम की ओर, ये है तीसरा बेडरूम। थर्ड बेडरूम का साइज भी एक नॉर्मल साइज है, ठीक है। और थर्ड बेडरूम के साथ में यहाँ पे आपको अलमारी की स्पेस दे रखी है, और यहाँ बड़ा सा बालकनी का दरवाजा। बेडरूम की लुक वाइज ठीक है, तो ये था हमारा 1530 स्क्वायर फीट का सैंपल फ्लैट। तो ये है गाइस, ये है कॉमन बाथरूम जो कि हमारे ड्राइंग रूम को और एक बेडरूम के साथ
तो वो काम अपनी जेब में से यहाँ से यहाँ पे करवाना पड़ेगा। ये था कुछ हमारा फ्लैट। तो ये फिर से दिखा देता हूँ एक बारी, यहाँ से हमने एंट्री करी, ये ड्राइंग रूम आ जाता है और ड्राइंग रूम के साथ ही यहाँ पे ये आ जाता है किचन, किचन के साथ बालकोनी। थोड़ा अंदर चलते हैं, यहाँ पे फर्स्ट बेडरूम, फर्स्ट बेडरूम के साथ सामने वॉशरूम, कॉमन वॉशरूम, कॉमन वॉशरूम के साथ और हमारा सेकंड बेडरूम, और ये है थर्ड बेडरूम। अगर हम नीचे देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको टाइल्स दे रखी हैं इस बेडरूम में। अगर हम इसके साथ वाले बेडरूम में देखें तो यहाँ पे अभी कोई टाइल नहीं है, तो उसका रीज़न ये हो सकता है कि यहाँ पे वुडन फ्लोरिंग मिलेगी, तो वुडन फ्लोरिंग अभी लास्ट में ही काम करेंगे शायद, उसको भी खराब होने का डर रहता है। तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, एक पड़ोसी होने के नाते सब्सक्राइब कर देना। देख सकते हैं आप कितनी हालत बुरी है यहाँ पे, और ऐसी हालत में हम वीडियो बनाना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं सड़क बन चुकी है, (स्थाथ)